युद्ध पर जा रही हूँ। आम्ही ठरवलं श्रीमंत, अगली बार हम भी आपके साथ युद्ध पे चलेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। पर घोड़ सवारी तो आती नहीं है, आओगी कैसे? हम अस्तबल में जाएंगे, अपने घोड़े पर बैठेंगे, चाबुक मारेंगे, सटाक, और वो गई काशी। हर हर महादेव। ये देखिए, हम युद्ध पर पहुंचे नहीं और आप शुरू हो गए। अरे, इस योद्धा के जीवन में और है ही क्या? दो गज जमीन, दो निवाले, एक खुला आसमान, एक सवारी, एक तलवार और एक काशी। कुल मिला के 27। कैसे 27? 27 घाव। और इस बार दुश्मन कितने पास आ गया आपके? छेड़िए मत उसे। और अब 28वां घाव ना हो उसके लिए ये नवग्रह की अंगूठी आपको नजर और तलवार दोनों से बचाएगी। साथ है सैनिकों को वापस करके ना अपने ठीक नहीं किया भाई साहब। एक तो अजनबी मुल्क, अजनबी लोग, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए। आप ही बताना भाई साहब, कोई मेहमान को इतना जलील कैसे कर सकता है, और वो भी राजा 36 साल की बेटी को। ये सुन के ना बुंदेलखंड में अभी तक तलवारें उठ जाती, और आप यहाँ पे खामोश बैठे। जिल्लत सहने से तो बेहतर है हम लोग वापस चलते हैं बुंदेलखंड। होगी मोहब्बत तो पेशवा खुद आएंगे आपको मिलने वहां। और एक बात, हम लाख कोशिश कर ले भाई साहब, फिर भी वो लोग अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देंगे पेशवा को। और हम उन्हें अपनी मोहब्बत भुलाने नहीं देंगे। जितना समझे थे उससे कुछ ज्यादा ही काबिलियत है तुम्हें। बहुत अच्छा नाचती हो तुम। शुक्रिया। एक एहसान और कर दीजिए, हमारा रिश्ता भी कबूल कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। आज से पेशवाई के साथ नर्तकी का रिश्ता हो गया तुम्हारा। बहुत जल्द तुम सातारा में छत्रपति के दरबार में भी नाचोगी। क्या हुआ, नजराना अच्छा नहीं लगा? आपकी दी हुई हर चीज हमें अजीज है, चाहे घुंघरू हो या बेटा। आप कोशिश कीजिए हमें उनसे दूर रखने की, हम इंतजार करेंगे उनके करीब आने का। तो ये इंतजार जिंदगी भर रहेगा। नाचने वाली कितनी भी खूबसूरत हो, उसकी जगह सिंहासन के नीचे ही होती है। बचपन से लोग हमें कहते थे तुम बहुत खूबसूरत हो मस्तानी। आज पहली बार एहसास हो, आप जैसी औरत भी इस रूप से डरती है ये जानकर खुद पे गुरूर हो। सातारा जाने की तैयारी करो। आओ बाजीराव, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। छत्रपति का हुक्म हुआ और पेशवा हाजिर। बुंदेलखंड की जीत मुबारक हो। ये अफगानी लोहे की तलवार हमने खास आपके सम्मान में बनवाई है। धन्यवाद छत्रपति। छत्रपति, आपने तलवार तो दे दी, अब इसे चलाने का हुक्म भी दे दें तो दिल्ली को आपके कदमों में झुका देंगे। इस वक्त राजनीति ये नहीं कहती कि हम दिल्ली पर चढ़ाई करें। हमारी राजनीति यही कहती है, यही सही वक्त है छत्रपति। शराब और अय्याशी में दिल्ली डूब चुकी है, बादशाह पर किसी को भरोसा नहीं रहा। अगर हमें दिल्ली जाना है तो पहले दक्षिण में निजाम को चुप कराना होगा। राजनीतिक सूझबूझ भी तो कोई चीज होती है छत्रपति। पेशवा, प्रतिनिधि सही कह रहे, कदम बहुत बड़ा है, सोच कर रखना होगा। बाकी की बातें हम शाम की महफिल की बात करेंगे। इस तलवार को मैदान में ही रहने दो पेशवा, दिल्ली तो जाना नहीं,
फिर किसकी गर्दन पर रखोगे? पेशवा को दुश्मनों की कहां कमी है? ये गलती मिलिया काम। आपकी गर्दन बहुत कीमती है, पर इन मोतियों की माला से भी ज्यादा नाजुक है। जीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी मात दे सकती है। मस्तानी साहब यहां कैसे पंत? मां साहब नहीं भेजा है इन्हें आज की महफिल से जाने। महफिल शुरू की जाए। महफिल सजाने के बजाय इस तरह घुंघरू रख कर महफिल का अपमान कर रही हो तुम। हम महफिल का अपमान नहीं, अपना मान रख रहे हैं। कौन हो तुम? मस्तानी। बुंदेलखंड की सौगात है ये। पेशवा के पाड़वा के उत्सव में तो इसने चार चांद लगा दिए थे। वो उत्सव था, ये महफिल है। और ये कोई नाचने वाली नहीं है, राजा छत्रसाल की बेटी है और इस वक्त पेशवा की मेहमान है। लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है। खास है प्रतिनिधि, इनकी वजह से आज ये पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला लक्षात। क्षमा सविश छत्रपति, इनको यहां से जाने की आज्ञा दीजिए, इनकी जगह इस महफिल में नहीं है। सही कह रहा है पेशवा, तुमने पेशवा की जान बचाई है, बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते? अगर हमने मांग भी लिया तो आप दे नहीं सकेंगे छत्रपति। ऐसा क्या है जो एक छत्रपति नहीं दे सकते? पेशवा, दाद देते हैं हम तुम्हारी नजर की और तुम्हारे हौसले की, जिसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज मांगने की हिम्मत की। लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। बहुत अच्छा, जा सकती हो मस्तानी। लगता नहीं है तूफान थमेगा पैसा। चलिए वापस चलते हैं बुंदेलखंड। और वैसे भी हमें यहाँ के क्या मिला है? पूना गए तो नाचने वालियों के बीच रखा, सातारा में महल के बदले नदी पार यहाँ रखा है इस खंडर में। डर लगता है भाई साहब, आपने जिनकी कटार से ब्याह किया है वो तो इस रिवाज से अनजान है, और अगर उन्होंने ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो। हम भी तो देखें अपने इश्क का सर। देख लीजिए अपने इश्क का सर। आपने भरे दरबार में पेशवा मांगा था ना, पेशवा हाजिर है। मानना पड़ेगा मस्तानी साहब, जिस रिवाज से, जिस रिश्ते से हम अनजान थे, उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। क्या है इस दीवानगी की वजह? इश्क, जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे तरपार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। ये समाज, ये शनियारवाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल है। हमारी पत्नी है काशी, हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। कबूल है। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कबूल है। ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और ये सीने की आग को साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी।
आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। नमस्कार। पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि मालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवाई हैं। लीजिए शरबत तो शर्माइए। शुक्रिया, हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है। बहुत खूब, आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है। फिर भी आप हमारे जंगल में फंस गए। वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे। हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। बैत कर लो इसे। हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है। 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्खन में आप खामोश रहेंगे। मंजूर है। दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे। मंजूर है। और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूल के हमें गले लगाएंगे।